देखते हैं ना पुरानी वीडियो नवदीप धाम परिक्रमा की, दो दिन के लिए फ्लाइट पकड़ के आ जाता है। दो दिन के लिए, चलो दो दिन तो मैं जाऊंगा। आप लोग तो पास जो ऊपर बैठे ना, अरे वो जो पीछे दो बैठे वो फलाम है ना, कैसा लोग है, कैसा आकर्षण है श्री नवदीप धाम परिक्रमा का। अच्छा, Russians pay 25,000 only for visa. वो है 25,000 खाली वीजा के लिए, टिकट तो अलग 25,000 केवल वीजा के लिए, टिकट अलग, रहना खाना अलग। ये लोग आए छुप-छाप करके, झूठ बोल करके परिक्रमा करने के लिए। इसलिए महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के घर में, और जो देखो जिस प्रकार से राधा कृष्ण की अष्टकाली लीला स्मरण है ना, ऐसे ही महाप्रभु जी का भी गौर अष्टकाली लीला स्मरण है। उसमें उसमें क्या वर्णन आता है, महाप्रभु जी नित्य प्रति सुबह और संध्या के समय में श्रीमद् भागवत जी का पाठ कभी करते हैं, कभी सुनते हैं। कहां पर? शिवास पंडित जी के यहाँ पर महाप्रभु जी प्रत्येक दिन। इसलिए हमारे सभी मठों में सुबह कथा होती है और शाम को कथा होती है सभी मठों में, क्योंकि नित्य श्री अष्टकाली लीला में ये नित्य महाप्रभु जी की क्रिया है। जब संकीर्तन के लिए निकलते हैं महाप्रभु जी भक्तों के साथ, वो भी शिवास पंडित जी के गृह से ही निकलते हैं, है ना। भजन उदिलो अरुणा पुरभागे दुजामनी गौराया मनी जागे बकत समुआ लैया साते गेला नगर राजे। सुबह सुबह महाप्रभु जी सारे भक्तों को लेकर शिवास पंडित जी के गृह से ही निकलते हैं, पूरी नवदीप के गलियों में संकीर्तन करते हुए। एक बात बताई गई, महाप्रभु जी सब समय चार स्थान पर रहते हैं, सब समय। कहाँ कहाँ वो थे? एक तो आज जहां हम गए थे सच्ची माता के गृह में, महाप्रभु जी वहां पर रहते हैं सब समय। दूसरा, जहां पर श्री नित्यम प्रभु संकीर्तन करते हैं और श्री नित्यम प्रभु के अभिन्न श्री गुरुपाद पद्म श्री गुरुदेव जहां पर संकीर्तन करें अथवा कथा कहें, वहां पर श्री महाप्रभु जी अवस्थित रहते हैं। तीसरा, राघव पंडित जो महाप्रभु जी के लिए बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं, वहां पर महाप्रभु जी नित्य वास करते हैं। और चौथा स्थान बताया, शिवास पंडित जी के यहाँ पर, शिवास पंडित जी के यहाँ पर महाप्रभु जी नित्य वास करते हैं, ये तो संकीर्तन स्थली है। अच्छा, एक बार, अब बीच बीच में थोड़ी थोड़ी एक पॉइंट, एक बार एक दूध पाई ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जिसके जीवन का एक संकल्प है कि मैं बस दुग्ध ही पान करूंगा और कुछ नहीं, उन्होंने शिवास पंडित जी को प्रार्थना की, मैं महाप्रभु जी का संकीर्तन देखना चाहता हूं। दरवाजे बंद करके, अंदर भीतर से दरवाजा बंद करके संकीर्तन होता, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता, कोई अधिकारी अनधिकारी बाहर से नहीं आ सकता, बस जो महाप्रभु के निज परिकर हैं वो ही इसका स्वादन करते हैं और महाप्रभु जी निज उस भाव का, अपने ही भाव का स्वादन करते हैं। तो ये दुग्ध पाई ब्राह्मण जो संकल्प लिया कि बस दूध ही पीऊंगा जीवन में, ये शिवास पंडित जी से प्रार्थना करने लगा कि मेरे को महाप्रभु जी का संकीर्तन देखना है। शिवास पंडित जी महाप्रभु जी के निकट आकर प्रार्थना कर रहे हैं, बोलते हैं, हे महाप्रभु, ये एक दुग्ध पाई ब्राह्मण है, ये आपका संकीर्तन देखना चाहता है, ये निष्पाप है। उन्होंने एक शब्द बोला, ये निष्पाप है, इसने कभी पाप नहीं किया। क्यों? कभी इसने अनग्रहण नहीं किया, अनग्रहण करेंगे तो पाप होगा, और ये तो दुग्ध पीता है। महाप्रभु जी सुनकर बिगड़ गए। हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं, महाप्रभु जी सुनकर बिगड़ गए, बोलते दूध पीने से क्या भक्ति हो जाती है, मात्र दुग्ध पान करने से, दूध पीने से क्या भक्ति हो जाती है? नहीं, ये तपस्या है, ये भक्ति नहीं है। महाप्रभु जी ने निषेध कर दिया, उसको अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। जब बाद में उसको ये बात पता लगी तब तो उसने अधिकार करने की, उन्होंने अधिकार करने की चेष्टा की, तो इस बात को महाप्रभु जी ने अपनी लीला के द्वारा खंडित किया कि तपस्या से नहीं,
भागवत जी में कहा है एकादश स्कंद में, ना साध्यति मम योगो ना सांख्य धर्म उद्धव ना योगस तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। मैं किसी साधन व्रत और बड़े बड़े क्या नहीं बड़े बड़े उत्सवों के द्वारा सांख्य योग के द्वारा मैं स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त नहीं होता, जैसे मैं भक्ति के द्वारा प्राप्त होता हूँ। महाप्रभु जी ने इस बात को स्थापन किया। और एक बार उनके घर में एक दासी थी, शिवास पंडित जी की एक दासी, उनका नाम था दुखी। क्या नाम था? दुखी। दुखी का मतलब समझते हो? महाप्रभु जी संकीर्तन करते, अब सारी रात संकीर्तन होता, संकीर्तन करते करते सबको पिपासा लगती, प्यास लगती, सब बाहर आकर जल पान करते, महाप्रभु जी भी स्वयं आते और बाहर तीन घड़े ऐसे रखे होते जो सब समय जल से भरे रहते हैं। बोलते जो व्यक्ति कोई सेवा करेगा ना, वो भगवान की दृष्टि से बच नहीं सकता, भगवान सर्व अंतर्यामी सब देखते हैं। इसलिए एक दिन महाप्रभु आकर वे जल पान किए और शिवास पंडित से पूछने लगे, शिवास ये घड़ा कौन भर के रखता है, ये तो सब समय भरा ही रहता है। शिवास पंडित जी कहने लगे, मेरे घर में हमारी एक ये काम करने वाली एक दासी है। महाप्रभु ने बोला, उसका नाम क्या है? बोलते उसका नाम है दुखी। महाप्रभु ने कहा, क्या दुखी? नहीं, ये तो परम सुखी है। जो वैष्णव सेवा के लिए इतना उदम करे, जो वैष्णव सेवा के लिए सब समय ये भी कामना न करे कि मेरे को भीतर जाना है, मेरे को महाप्रभु की राजस्थली का ये संकीर्तन का दर्शन करना है, ये भी तक कामना नहीं, एक ही जीवन का उद्देश्य बना रखा है, मैंने वैष्णव की सेवा करनी है, मैंने गौर परिकर की सेवा करनी है, वो दुखी कैसे हो सकती है? वो तो क्या है? परम सुखी। तो ये भी लीला वहां पर हुई। और एक स्थान लीला, महाप्रभु जी शिवास पंडित जी के यहाँ पर आ जाओ, महाप्रभु जी शिवास पंडित जी के यहाँ पर एक दिन प्रेम दान भाव अवेश में आए। आज प्रेम मिलेगा, जो जो परिकर जो जो भक्त सामने आते गए, महाप्रभु उनको प्रेम देने लगे। सामने मुकुंद आए, महाप्रभु जी ने कहा, इनको प्रेम नहीं दूंगा, ये बेटा खड़ जाती है, ये बेटा खड़ जाती है, खड़ जाती है मतलब ये जहां पर जाता है ये वहीं की महिमा गान करने लग जाता है। मायावादियों के बीच में जाएगा तो मायावादियों की महिमा, भक्तों के बीच में जाएगा तो भक्तों की महिमा, जिसके बीच में बैठेगा वही इनका एक अपना गंगाराम। तो ये बेटा खड़ जाती है। देखो महाप्रभु जी अपनी लीला के द्वारा, महाप्रभु जी की लीला सीधी सरल लगती तो है, लेकिन महाप्रभु जी की हर एक लीला में शिक्षा है, शिक्षा मूलक है हर एक लीला, साधकों के लिए एक शिक्षा मूलक है। इसलिए बेटा खड़ जाती है, ये नहीं हम जहां भी जाएं फिर वहीं कहीं हो गए, हमारी स्थिरता कहां है? हम गौड़िया वैष्णव धारा में आए, हमारी एक गुरु परंपरा है, जो गुरुदेव ने, प्रभुपाद जी ने, गुरुजनों ने जो सिद्धांत हमको बतलाए, उन सिद्धांतों को आचरण करना, उन सिद्धांतों को प्रचार करना, वही विचारधारा में स्वयं भी प्रतिष्ठित होना, उससे अलग नहीं। ये नहीं कि वो बहुत होता है आजकल, अब फेसबुक पर बहुत सारी कथाएं आती है भक्तों की, नहीं बहुत सारे लेक्चर्स भी आते हैं, कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर भी आ जाता है, हाँ 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 उसकी बात क्या बोल रहा है, हाँ हाँ कितना अच्छा बोल रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देता है रुको एकदम सटीक टू द पॉइंट, और उसके उसके जो क्लास में हजारों लोग बैठे होते हैं और सुनकर ये भी लगता है हाँ बात तो बड़ी अच्छी बोलता है, लेकिन क्या वो गौड़िया परंपरा की बात बोलता है? क्या वो जीव गोस्वामी जी ने जिनको शब्द प्रमाण माना है, बहुत सारे प्रमाण माने, बहुत सारे बातें हैं जिसमें शब्द प्रमाण ही मुख्य रूप से माना गया, शब्द मतलब एवं गुरु परम प्राप्तम, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हमको विचार धारा, उसी विचार धारा को ही पालन करना है। क्या वो मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी क्यों ना हो, उसका नाम भी लेना उचित नहीं है, कोई भी क्यों ना हो,
क्या वो भक्ति और ठाकुर जी की बात बोलता है? क्या वो प्रभुपाद जी की बात बोलता है? क्या वो परम गुरु जी की, गुरु जी की बात बोलता है? क्या वो महाप्रभु के प्रेम की बात बोलता है? नहीं, सिर्फ एक संसारिक स्तर पर रहता है, सिर्फ एक शारीरिक और उससे ऊपर मानसिक स्तर तक रहता है। अध्यात्म को बीच में जोड़ता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? क्या उसके जीवन में वैराग्य धारण किया? जेट प्लेन में उसका अपना जेट प्लेन उसमें घूमता है, वैराग्य कहाँ है? लेकिन बात बहुत अच्छी बोलता है, इसलिए शिला भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं इवन डेविल कैन कोट स्क्रिप्चर्स। असुर भी शास्त्र की बात को बोल सकते हैं। रावण कम ज्ञानी नहीं था। रावण की अब जब अगर सुनो कथा तो कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया वक्ता है, इतना बढ़िया वक्ता। हिरण्यकश्यपु आत्म तत्व पर शिक्षा दे रहे हैं, बहुत बड़ा वक्ता है। तो ये इवन डेविल मतलब असुर भी शास्त्र की बात को बोल सकते हैं, बोल तो सकते हैं, मानते नहीं, आचरण नहीं करते। तो इसलिए महाप्रभु जी की वो शिक्षा कि ये नहीं किसी को सुनकर बस वही प्रभावित होकर फिर उसके पीछे पीछे चलने लगे। महाप्रभु जी ने बोला ये प्रेम का अधिकारी नहीं है, तो मुकुंद बड़े निराश हो गए। खैर वो प्रसंग बहुत लंबा दूसरी तरफ जाएगा। मुकुंद बड़े निराश हो गए, तब महाप्रभु जी ने कहा प्रेम मिलेगा कितने जन्म के बाद? करोड़ जन्मों के बाद, कोटि जन्म, करोड़ जन्मों के बाद मिलेगा। मुकुंद प्रभु नित्य करने लगे। एक वृक्ष है उसके सारे पत्ते गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, तब प्रेम मिलेगा। मुकुंद प्रभु नित्य करने लगे, नित्य करने लगे। महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए, हाँ नित्य करने लग गए। क्यों? बोलते हैं ये निश्चित तो हो गया महाप्रभु के मुख से निकला कि एक दिन मिलेगा तो सही, ये निश्चित तो हो गया। महाप्रभु के मुख से वचन निकला तो होगा ही होगा एक दिन। जैसे कल प्रभु जी बोले थे ना, गुरुदेव ने कहा है तो होगा ही होगा, किसी एक जन्म में तो होगा, उसी आशा में बैठे हैं। इसलिए निराश परिकर के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, अपने परिकर के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि ये वैष्णव अपराध कैसा है। बोलते यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े व छिंदे शुके जाए पाता। श्री गुरुदेव इस प्रसंग में एक बार मथुरा में यही बात बोल रहे थे, उपाड़े व छिंदे। पहले इसका मतलब क्या? बोलते बड़ा सुंदर बगीचा बनाया, कहाँ पर? अपने हृदय में। गुरुदेव ने वो बीज डाला, भक्ति लता बीज, उसका सिंचन किया कैसे? श्रवण कीर्तन से। बड़ा सुंदर बगीचा बना और उसमें सुंदर सुंदर पुष्प की कलियां खिलने लगी, लेकिन एक मतवाला हाथी उस बगीचे में आ जाए तो क्या करेगा? सारा बगीचा उखाड़कर नष्ट कर देगा, बेकार कर देगा। वो पागल हाथी, साधारण हाथी भी नहीं, पागल हाथी। ऐसे ही वो हाथी, पागल हाथी क्या है, उसकी तुलना किससे की गई? वैष्णव अपराध से। अच्छा खासा सुंदर बगीचा बनाया, इतना सिंचन करके, इतना परिश्रम करके, लेकिन वो मतवाला हाथी आकर उसको उखाड़ कर फेंक देगा। ये क्या है? वैष्णव अपराध। उपाड़े व छिंदे सूखे जाए पाता, अपनी सूंड से उखाड़ देता है ना, तो उपाड़े व छिंदे, उपाड़े का मतलब जड़ से उखाड़ देना। तो उसका उदाहरण श्रील गुरुदेव बताते हैं, रामचंद्र खान जिन्होंने श्री नित्य प्रभु के चरणों में अपराध किया, रामचंद्र खान यह है उपाड़े, जड़ से उखड़ गया, ऐसा अपराध। पहले किनके किया था? हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध किया, हाँ उनके संबंध में बहुत कुछ बोला, बाद में फिर श्री नित्यम प्रभु के चरणों में अपराध किया, यह उपाड़े, पूरा जड़ से उखड़ गया। और छिंदे जो ऊपर से कटिंग हो जाता है, जैसे जड़ रहेगी लेकिन ऊपर से ऐसा लगता है वो पौधा नाश हो गया, वो किसका उदाहरण दिया? बोलते देवानंद पंडित का, देवानंद पंडित का। उन्होंने शिवास पंडित जी के चरणों में अपराध किया, परंतु फिर सौभाग्य से श्री वक्रेश्वर पंडित जो महाप्रभु जी के परिकर हैं उनकी सेवा करके उन्होंने फिर उस कृपा को प्राप्त किया। तो वैष्णव अपराध होने पर भी वो देखना पड़ेगा उसकी कैटेगरी कैसी है, कौन सी कैटेगरी का है, उपाड़े या छिंदे। छिंदे वाला तो फिर बच जाएगा। छिंदे, छिंदे समझ रहे हो? छिंदे मतलब क्या होता है? ट्रिमिंग होता है ना, ट्रिमिंग, छटाई, छटाई हो जाती है जैसे, तो वो तो लेकिन जड़ है, अभी जड़ नाश नहीं हुई। लेकिन जो रामचंद्र खान है उन्होंने हरिदास ठाकुर जी के चरणों में भयंकर अपराध किया, फिर श्री नित्यम प्रभु के चरणों में भी हुआ,
इसलिए वो है उपाड़े, पूरा जड़ से उखड़ गया। तो महाप्रभु जी यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं अपने भक्तों को लेकर। ये सारी लीला शिवा संगम में हुई है। ऐसी अब बहुत सी लीला है, अब संजय प्रभु जी बताएंगे। पूरा चैतन्य भागवत खुल गया अभी तो। शिवा संगम की, श्री नित्यानंद प्रभु की, सचिनंदन गौर हरि की। बोले गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 सती नंदन जय गौर हरि सती नंदन जय गौर हरि जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाये स्तदालय जो प्रभु देना क्या ना तमाल तमाल प्रभु तमाल तमाल प्रभु आप अंदर में आ जा तमाल प्रभु और तुम भी आ सुबह कृष्ण तमाल प्रभु आ जा दोनों आ जा प्रभु गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाये स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी तिनामिने वांछा कर दंडोत प्रणाम। अभी जब महाराज जी कह रहे थे हिंदी भाषी लोगों के विषय में तो मुझे एक बात स्मरण हुई। गुरु महाराज जी मथुरा में एक समय हरि कथा कर रहे थे और बड़ी घनघोर वर्षा हुई तो गुरु महाराज जी ने हरि कथा प्रारंभ करने से पहले कहा, देखो श्रोता वो है जो आज ऐसी विषम परिस्थिति में भी यदि हरि कथा सुनने को ही आ जाए तो उसको माना जाएगा कि वो श्रोता है, है? तो जहाँ पर हिंदी भाषा में कथा हो रही है घूम फिर के श्रोता यदि वहाँ पहुँच जाए तो समझ जाओ कि वो वास्तव में क्या है, वो श्रोता है। बाकी सब सोता है, अभी तो थके हुए तो सब सोता ही है, अभी उठ जाएंगे, कथा सुन सुन के उठ जाएंगे। तो हम लोग श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी की इस लीला भूमि जन्मभूमि श्री नवदीप धाम में गुरु महाराज जी के समाधि स्थल पर इस कोल दीप में जो साक्षात गिरिराज गोवर्धन है उस स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं। अभी अभी हम लोग महाराज जी के मुख से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के वैशिष्ट्य को हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने
चैतन्य भागवत में एक बड़ी सुंदर बात कही है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में उसी बात को दोहराते हुए कहा है। वो कहते हैं, चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी होइलो धन्या। एई वन्याय जेना भासे सेई जीव छार, कोटि कल्पे तबे तार नाही का निस्तार। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का जो ये अवतार हुआ, श्री ठाकुर महाशय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत वन्या। ये चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार के समय क्या हो रहा है, प्रेमामृत वन्या, प्रेम की बाढ़ बह रही है। और कहते हैं, सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी होइलो धन्या, सब जीव उस बाढ़ में निमग्न होकर प्रेम में हाबू डूबू खा रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। ऐसी महाप्रभु जी के अवतार से परिस्थिति हो गई है। तो श्री कविराज गोस्वामी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, एई वन्याय जेना भासे सेई जीव छार। यदि इस बाढ़ में जो व्यक्ति स्नान नहीं करना चाहता, जो डूबना नहीं चाहता, वो क्या है, वो छार है। छार माने एकदम निकृष्ट। कोटि कल्पे तबूतार नाही का निस्तार। और जो चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा रूपी बाढ़ में जिसने स्नान नहीं किया, जो निमग्न नहीं हुआ, कल्याण नहीं हो सकता। ये महाप्रभु जी के अवतार का ऐसा वैशिष्ट्य है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी सुंदर बात। वो कहते हैं कि प्रेमाम्बुदो बिहरणे जदि चित्त वृत्ति। अरे भाई, यदि तुम्हारी इस प्रेम रूपी सागर में गोता लगाने की यदि तुम्हारी इच्छा है ना, और संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत, और यदि तुम्हारी संकीर्तन धन्य को भवती। अरे बड़े अवतार हुए, कृष्ण साक्षात अवतारी हैं, और कृष्ण से पहले बहुत सारे अवतार हुए ना, राम अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए, कूर्म अवतार, वरा अवतार, कितने अवतार हुए, 52 अवतार। किंतु हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, ये सभी अवतार जो हैं वो केवल अपने अपने प्रयोजन तक ही सीमित रहे। नरसिंह भगवान जगत में आए, कितने जीवों का कल्याण किया बताइए, केवल प्रहलाद महाराज जी का कल्याण किया, परित्राणाय साधुनाम विनाश यज्ञ किए, तो वो भी राम जी भी खुलकर अपने हृदय से सबको प्रेम नहीं बांट सके। उसके पश्चात कृष्ण अवतार हुए, तो हमारे गुरु महाराज जी कहते कृष्ण स्वयं अवतारी हैं, आस्वादन किया, खूब प्रेम का आस्वादन कराया। किंतु गुरु जी कहते किसको कराया, हमको कराया, केवल नित्य परिकरों के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान किया, खूब उनके साथ प्रेम को लिया, खूब उनको प्रेम को दिया। अब हमको यहां हीन बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि सारे अवतार अलग अलग है, नहीं, कृष्ण अवतारी हैं, चैतन्य महाप्रभु अवतारी हैं, बाकी सब अवतार है, तो एक ही तत्व है, किंतु लीलागत वैशिष्ट्य दिखा रहे किसी लीला में कोई। यहां करे न प्रेम दान, खाइया लुटिया दिलो प्रेमेर भंडारे, आश्चर्य प्रेमेर भंडार शत गुना बाढ़े। चैतन्य महाप्रभु जी कैसे प्रेम लुटा रहे हैं, उनकी कैसी दया है। कृष्ण को वदान्य कहा गया, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी को रूप गोस्वामी जी ने क्या कहा, नमो महावदन्याय, कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप कैसे महावदन्याय हैं, आप साक्षात कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उनको महावदन्याय कहा गया। वो क्या बाढ़ है ना, उसको आदेश दे दिया, बिना किसी पात्र पात्र के, बिना किसी स्थान स्थान के, जहां तक तुम जा सकती हो उस प्रेम की बाढ़ को आदेश दिया, जाओ समस्त जगत जीवों को इस प्रेम की बाढ़ में निमग्न कर दो। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य बतलाते हुए एक बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं, आपने करे आस्वादन सिखाई प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी, नाही जाने स्थाना स्थान, जारे तारे कैलो दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। महाप्रभु जी को दाता शिरोमणि कहा गया, कृष्ण को भी कभी दाता शिरोमणि नहीं कहा गया, किंतु महाप्रभु जी को दाता शिरोमणि कहा गया। क्यों, कहते आपने करे आस्वादन, उन्होंने स्वयं आस्वादन किया, और सिखाई लो भक्त गणे, भक्तों को भी सिखाया इस प्रेम का आस्वादन करने की रीति क्या है, भक्तों को भी सिखाया। यदि गुरु जी स्वयं सिखाई लो भक्त गणे प्रेम चिंता, महाप्रभु जी कैसे साक्षात प्रेम रूपी चिंता मणि के धनी है, जिसको भी स्पर्श कर दिया उसको साक्षात प्रेम में उन्होंने निमग्न कर दिया। महाप्रभु जी की दया की एक छोटी सी लीला श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन की। कितने दयालु हैं महाप्रभु जी, कैसी उनकी दया है। महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे ना, दक्षिण भारत के तीर्थों को पवित्र कर रहे थे, तो वो कूर्मदेव एक स्थान है, वहां पर महाप्रभु जी पहुंचे,
और एक शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, उनका जो कोढ़ था वो गल गया और उसमें कीड़े पड़ गए। तो कीड़े जब उनके शरीर से गिर जाते थे, वो कीड़े को उठा के वापस शरीर में रख लेते थे। अरे ये तो मेरा मांस खा के जीवित है, यदि ये गिर जाएगा तो भूखा मर जाएगा। उनका क्या नाम था? वासुदेव विप्र। उनको जब पता चला कि महाप्रभु जी आए हैं तो बड़ा महाप्रभु जी के दर्शन की लालसा से वो दौड़ करके उस गांव में पहुंचे, किंतु पता चला कि महाप्रभु जी तो अभी अभी यहां से चले गए। अब उनके शरीर की दुर्गंध से ही लोग उनको दूर से देखकर भाग जाते थे, उनके निकट भी कोई नहीं आता था, किंतु थे वो भक्त। जब उन्होंने हृदय से महाप्रभु जी को पुकारा, आप ऐसे दयालु हैं, मुझको आप आलिंगन कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, तो महाप्रभु कहते हैं अरे हमको तो तुम्हारे शरीर में कोढ़ दिखलाई नहीं देता, तुम्हारे हृदय की भक्ति दिखलाई देती है। तो महाप्रभु जी के चरणों में गिरकर रोने लगे और रोते हुए कहते, प्रभु जब मेरे शरीर में कोढ़ था ना तो कोई मेरे निकट में नहीं आता था, मुझ में बड़ी दीनता थी, किंतु आपने मेरे शरीर को इतना सुंदर कर दिया, अब मुझ में अभिमान आ जाएगा। तो महाप्रभु जी कहते नहीं, मेरी कृपा से तुमको कभी अभिमान नहीं आएगा, तुम निरंतर क्या करना, कृष्ण नाम लेना, कृष्ण नाम लेना। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाप्रभु जी की इस दया को स्मरण करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कहते, कृपा की, इसलिए महाप्रभु जी का एक नाम हो गया वासुदेवामृतप्रद। क्या नाम हो गया? वासुदेवामृतप्रद। जैसे महाप्रभु जी का एक नाम है सदानंद राय। क्या नाम है? जो स्वयं सदा आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी सदा आनंद में रखते हैं, ऐसे ही महाप्रभु जी का एक नाम हो गया वासुदेवामृतप्रद। कहते रहे ऐसा अवतार पहले कभी, हम लोग आपके निकट में आते हैं, हमारे हृदय में इतने अनर्थ भरे हुए हैं, इतने अपराध भरे हुए हैं, हम इतने अपवित्र हैं, क्या आपको हमसे घृणा नहीं होती? गुरु जी से पूछा उन्होंने, क्या आपको हमसे घृणा नहीं होती? तो गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया, अरे मैया की गोद में जब उसकी संतान मल मूत्र का परित्याग करती है तो क्या मैया को उससे घृणा होती है? होती है मैया को उससे घृणा? मैया को उससे घृणा नहीं होती, गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया। तो जैसे महाप्रभु जी के गुण है ना, तो कहते एछे गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु। ब्रह्मा जी को भी जिस गुप्त भाव सिंधु, गुप्त भाव सागर की एक बूंद नहीं मिली, चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में कहते है नो धन बिलाई लो संसारे। चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसे धन को बिलाई लो समझते हैं, कोई झोली में भरी हुई वस्तु है और उसको दोनों हाथों से उछाल उछाल कर ऐसे फेंक रहे हैं, स्वयं भी पान कर रहे हैं दूसरों को भी पान करा रहे हैं। इसलिए कहते एछे है नो धन बिलाई लो संसारे, एछे दयालु अवतार एछे दाता नाही आ गुण के हो नारे वर्णी वारे। अरे ऐसा दयालु अवतार कोई हुआ इससे पहले? चैतन्य महाप्रभु जी के गुणों का भला कोई क्या वर्णन करेगा, ऐसे दयालु चैतन्य महाप्रभु जी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने, हम सुनते ना प्राय श्लोक को, क्या वस्तु महाप्रभु जी ने दान की, अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। अनर्पित चरिम चिरात, जो वस्तु अनर्पित चरिम चिरात, जो चिरकाल से जो वस्तु दान ही नहीं की गई, कब दान की गई थी? जब चैतन्य महाप्रभु जी का पूर्व अवतार हुआ था। पूर्व अवतार कितने? प्रभुपाद जी कहते कृष्ण वदान्य है, चैतन्य महाप्रभु जी महावदान्य है, जो भक्त है ना वो महा महावदान्य है। कृष्ण वदान्य है, बड़े दयालु हैं, चैतन्य महाप्रभु जी महावदान्य है, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी के जो पार्षद है, जो भक्त है ना, वो क्या है? वो महा महावदान्य है। उन्होंने महाप्रभु जी से भी अधिक जाकर के उनके प्रेम को वितरण किया है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस नवदीप धाम में क्या किया, उन्होंने एक प्रेम का वृक्ष लगाया, बड़ा सुंदर एक प्रेम का वृक्ष लगाया, और महाप्रभु जी स्वयं माली बन गए उस वृक्ष के, कोई दूसरा माली नहीं है। ये जो प्रेम रूपी बोझा है ये बहुत भारी हो गया, कहां तक उठाऊं इसको और अकेला कैसे बांटूं, किसको मैंने दिया है किसको मैंने नहीं दिया, मेरे मन में भ्रम रहता है। ये महाप्रभु के मन का विचार है, उनकी इच्छा है कि सबको ये प्रेम रूपी फल मिले। प्रभु मन मन में विचार कर रहे, एकला उठाइया दीते हो परिश्रम, केहो पाए केहो ना पाए रहे मने भ्रम। अरे अकेला कहां तक उठाऊं, और किसी को मिला किसी को नहीं मिला ये प्रेम रूपी फल, तो मेरे मन में भ्रम रहता है। तो महाप्रभु जी ने क्या किया, अतएव माली आज्ञा दिलो सभाकारे। आवाज आ रही है बाहर? आवाज आ रही है? सुनो गुरु महाराज जी की दया की बात सुनिए। गुरु महाराज जी कैसे हैं? वो है महा महावदान्य। तो गुरु महाराज जी अपनी हरि कथा में क्या कह रहे, सुनना ध्यान से, फिर हम तुमसे बात किया ऐसे ही शब्द बोले गुरु जी। गुरु जी कहते गिरिराज जी ने तुमसे बात किया, तब वो बेचारे मौन हो गए, कुछ उत्तर नहीं दे सके। गुरु जी कहते गिरिराज जी यदि तुमसे बात ही नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारा मंगल कैसे होगा? गिरिराज जी क्या बतलाएंगे तुमको? कृष्ण के निकट में जाओ, विग्रह के निकट में, विग्रह हमसे बात करेंगे तो विग्रह के निकट में जाओ, झट प्रणाम करके साधु के निकट में आ जाओ, क्योंकि साधु बतलाएंगे मंगल कैसे होगा।
इसलिए श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा धाम की परिक्रमा तो कर रहे हो, इस बात को समझना है हमको, हमारे प्रेम नेत्र विकसित हो जाएंगे ना, उस दिन फिर हमको गर्मी नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। उस दिन क्या होगा, चारों ओर कृष्ण का महाप्रभु जी का विलास दिखने लगेगा। प्रेम नेत्र जो है वो विकसित कैसे होंगे, कथा सुनने पर, कथा सुनने पर वो प्रेम नेत्र विकसित होंगे। इसलिए गुरु महाराज जी कथा में कह रहे थे, बस छोटी सी बात कह के मैं समाप्त कर दूं, तो गुरु महाराज जी कथा में क्या कह रहे हैं, कौन सी डेट थी स्मरण है किसी को, सुनिए और सुन करके हम सब जाएंगे गुरु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Bolo. Hare Rama. गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार जोर करके बोलो गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु श्री
सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। अभी अभी आप लोग ने श्रवण कर रहे थे श्री नवद्वीप धाम की क्या महिमा है, श्रीमान महाप्रभु का क्या महिमा। अभी आप लोग ने बहुत अच्छे तरह से श्रवण कर रहे थे। ये जो ग्रंथ है कहते श्री नवद्वीप धाम महात्म ग्रंथ है। कहते इसी ग्रंथ में से शंकर जी पार्वती को ये नवद्वीप धाम की महिमा बता रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कितना शंकर जी कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम देव देव महादेव। कहते श्रोता कौन है? श्रोता भी कोई एरे गेरे व्यक्ति नहीं। श्रोता कौन है? माता पार्वती योगी जोगी महायोगी। और श्रोता भी एरे गेरे व्यक्ति नहीं। श्रोता कौन है? माँ पार्वती। वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए शंकर जी ये धाम की बहुत महिमा बताए। तीन चार हम श्लोक सुनेंगे। वो क्या कहते हैं? कहते एक श्लोक में कहते हैं बोले यदि तीर्थ सहस्राणी पर्यटन तो नव दीप बिना देवी न राधा कृष्ण मापनवाद। शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर कोई व्यक्ति सहस्राणी हजार हजार तीर्थ में भ्रमण करते रहे हैं, भ्रमण करते रहे लेकिन कितने सारे तीर्थ में भ्रमण करने पर भी अगर कोई श्री नवद्वीप धाम को कोई नहीं आए तो नवद्वीप धाम का अगर कोई परिक्रमा नहीं करे वो कभी भी जिंदगी में राधा कृष्ण अंतरंगा से राधा माधव अंतरंगा। मतलब है अगर कोई व्यक्ति राधा कृष्ण का प्रेमामृत में डुबकी लगाना चाहते हैं लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? महाप्रभु का प्रेम रस में उसको डूबना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, हम जाएंगे दो दिन बाद में निर्दया घाट है जहाँ पर महाप्रभु संन्यास पर कोई डुबकी लगाए ना निकलेगा कहाँ पर? कहते वृंदावन में किसी घाट में। मतलब है अगर कोई महाप्रभु का भक्ति रस में डूबे तो अपनी आप उनको राधा कृष्ण का प्रेम रस अपनी आप उनको प्राप्त हो जाएगा। दूसरे श्लोक में कहते हैं बोले द्वीप दुपस्या सैक दे तीर्थानी सकलानि च ऋषय हो मुनय देवा तथास्ति सीधा श्रमादि च। यहाँ पर कह रहे हैं ये जो नवद्वीप धाम है जैसे वृंदावन धाम, वृंदावन धाम में पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वृंदावन धाम में विद्यमान। इसलिए कहते हैं ना, कहते हैं क्या प्रयाग जी को क्या श्लोक है, हाँ कहते किरत सुता गे पग पग में कौन देश में ही ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो तीर्थ है पार्वती ये नवद्वीप धाम के एक कोण में। अगर किसी ने नवद्वीप धाम परिक्रमा कर लिया ना कहते उसको कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं। ये शंकर जी कहते हैं कहते वेदा शास्त्राणि सर्वाणी मंत्रादिनी महेश्वरी बसंती सततम दुर्गे श्री राधा कृष्ण तुष्टय। कर जितने वेद वेदांत मंत्र सब के सब श्री नवद्वीप धाम में निवास करते हैं। बोले अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय दिखानि च नाना विधानि कर्माणि कृत्वा भक्त मुहुर्मुहु। कहते अगर सौ अश्वमेध यज्ञ कोई कर ले ना उसको इंद्रपद मिल जाते हैं, हैं? कहते अगर कोई हजार हजार कोई अश्वमेध यज्ञ करे, अगर कोई हजार हजार वाजपेय यज्ञ करे भले ही जो कि क्यों नहीं करे जत फल लभेत मर्त्यम योग्य भागे न फलम। ये जितने सारे तीर्थ करने का जो फल है कहते शंकर जी कहते पार्वती अगर कोई नवद्वीप धाम में आ गया तो पार्वती उसको सारे तीर्थ करने का फल अपने आप मिल जाएगा। इसलिए कहते कैवल्य नरकायते जो महाप्रभु का प्रेम रस में डुबकी लगा देना उसको तो जो मुक्ति उसको लगता है नरक जैसे त्रिदश पुर का सुखा पुष्पा ऐसे इंद्र महेंद्र पदादि जो इंद्र और महेंद्र पदा पद और ब्रह्मा जी की पद तो उसको सामने कीड़े जैसे लगता है। कहते जो व्यक्ति महाप्रभु का प्रेम रस में डूब जाए
जगत का जितने पद है वो सब के सब पद उसके सामने फीकी पड़ी जाती है। शंकर जी कहते पार्वती, इसलिए किम पुनः दर्शन न च फलम बक्ष्यामि पार्वती नव दीपस्य स्मरणात् तेषां कोटि गुण लभे। देखो ये कितना बड़ी शंकर जी बात कहते हैं। कहते अगर नवदीप को जो स्मरण मात्र कर लिया है, नहीं आए केवल स्मरण मात्र अगर किसने ये नवदीप धाम को कर लिया तो कहते हे पार्वती नवदीप स्मरणात् तेषां कोटि गुण लभे। ये जितने सारे तीर्थ है भ्रमण करने का जो फल मिलेगा केवल नवदीप धाम का स्मरण मात्र से फल मिल जाएगा। अगर शंकर जी कहते हैं अगर स्मरण मात्र में अगर वो फल मिल जाएगा, अगर नवदीप धाम में सचमुच से कोई आ गया तो, अगर नवदीप धाम में कोई आ गए और गुरु वैष्णव का अनुगत में कोई अगर परिक्रमा कर रहे तो शंकर जी कहते पार्वती उसकी महिमा तो तुम बता ही नहीं सकते हो। इसलिए हम सुन रहे थे ना सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग सत्य युग कहते तृतीय युग है क्योंकि धर्मचार चरण में रहता था पूरा का पूरा, सबके सबका जीवन धन्य था। त्रेता युग राम राज्य है, हम कहते हैं राम राज्य में कोई आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कोई दुख नहीं। द्वापर युग में कृष्ण परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म जो आए हैं, लेकिन उसी युग का लोग भी ये कलि युग में जन्म ग्रहण करना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले महाप्रभु को धारा में हम अभिषिक्त होकर के अभी सुन रहे थे ना, कहते ब्रह्मा वीरिंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैली लढाली कंगाले पाया खाइल नाचिया बाजाइया करताली हे मान गौरवी नानी। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं महाप्रभु जैसे अवतार जगत में कोई नहीं। जो ब्रह्मा शंकर, शंकर तो वृंदावन में प्रवेश करने के लिए जो जोगी जोगी महाजोगी गोपी रूप भी उन्होंने धारण कर लिया, ब्रह्म कुंड में स्नान भी कर लिया, लेकिन गोपियों ने क्या किया चुपटी पकड़ कर निकाल दिया। शंकर जैसे गुरुदेव कहते तो गुलचा मारने लग गए उनको, उनको गुलचा मारने लग गए लेकिन तो कहाँ से आ गए। और भोले बाबा जैसे शंकर देव देव महादेव रोने लगे इन्होंने, हैं शंकर जैसे व्यक्ति कहते लक्ष्मी अभी तक भी बिहार का मान सुचिरा धृत व्रता जो कि वैकुंठ सुख छोड़ करके अभी भी तपस्या कर रहे हैं अभी भी प्रवेश नहीं कर पाए कहते हैं हैं। और ब्रह्मा तो पत्थर जन्म लेने के लिए चाहते हैं, उद्धव जी त्रिनगुण लता लेना चाहते हैं, किस लिए जो प्रेम को पाने के लिए चाहते हैं। कहते महाप्रभु आसानी से बोले बाजा या करताली कल युग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल हाथ में ताली बजाते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। क्या कहते हैं इस नवदीप धाम के विषय में, बोले सकृत यदि नवदीपम स्मरणे, अगर कोई नवदीप धाम को स्मरण भी कर देता है ना क्या होता है, कहते पार्वती मैं तुमको सच सच में कह देता हूं नराधमा, नराधमा मतलब क्या इंसान में जो अत्यंत पतित व्यक्ति भी अगर ये नवदीप धाम को अगर कोई स्मरण कर लिया, शंकर जी कहते पार्वती मैं तेरे को सच सच ये बात बता देता हूं। क्या सच है? चित्रगुप्त सारे पाप को लेकर जब नहीं जमदूत ले सारे पाप को लेकर जब चित्रगुप्त को बोलते थे ना कि जगाए मधाई दो व्यक्ति आज मदिरा पान कर रहे थे कल किसी घर में आग लगा दी, इतने पाप चित्रगुप्त तो लिख लिख लग करके उसको इतने पापी हो गया घर भर गया। और वो सोच रहे थे हे भगवान इतने पाप को ये कैसे भोग करेंगे इतने सारे पाप। और जब जब जा करके फिर बोलते थे ना ये क्या चित्रगुप्त क्रोध मारने दौड़ते क्या बोल रहे हो इतना दो व्यक्ति कभी पाप कर सकते हैं कभी कर ही नहीं सकते उसको मारने दौड़ते थे। बोलते हे भगवान
ये दोनों कैसे ये पाप से मुक्त होंगे। लेकिन श्रीमन महाप्रभु देखो कितने दयालु महाप्रभु, कितने करुणा। रामावतार में थोड़ी सी कुछ रावण कर दिया तो सीधा धनुष, पूरा लंका खत्म। कृष्णावतार में कोई उल्टा पुल्टा किया तो चक्र उठा लिया, लेकिन महाप्रभु अवतार में सर भी फोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, मेरे छी कल सिर गाना ताई बोली की प्रेम गाना। भले ही तुमने कल से मार करके सर फोड़ दिया, इसलिए क्या तेरे को हम प्रेम नहीं देंगे, केवल एक बार मेरे प्रभु का नाम ले लो। बोले श्री सचिनंदन गौर, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इतने दयालु, इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, बोले दयाल नीताई चैतन्य बोले आचरे अमर मन, दयाल नीताई चैतन्य बोले आचरे अमर मन, नाचरे अमर मन, नाचरे अमर मन, हे मन दयाल तो नहीं है मार के चैतन्य बोले नाचरे अमर मन। लोग क्या कहते हैं, मेरा जो मन है नित्यानंद और महाप्रभु का नाम लेकर नाच उठे। बोले ए मन दयाल तो नाही है मार खाए प्रेम दिए, मार खा कर भी प्रेम देने वाले कौन है ऐसे दयालु। बोले ओ नामे अपराध विचारते नाही रे, कृष्ण नाम करे अपराध हेर विचार। अगर कृष्ण नाम लोग अगर अपराध हो ना प्रेम नहीं देंगे, लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम ऐसे नाम लेते प्रेम है बहे असुरधार। जिनका नाम लेते ही अपने आप आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाते। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये जो नवद्वीप धाम तेसाम दिने दिने भक्ति वर्धते नात्र संशय, तेसाम पादरज सुता सप्त दीपा वसुंधरा। इसलिए कहते शंकर जी कहते पार्वती ये जो नवद्वीप जो धाम है, जो नवद्वीप धाम में आते हैं वास करते हैं परिक्रमा करते हैं, उनको दिन दिन क्या होता है भक्ति बढ़ती रहती है। जे बसंती नवद्वीप मानवा गौर देवता नचतेत मानवा गया गौरस्य सपार्षद। नवद्वीप धाम में जो निवास करते हैं वो साधारण व्यक्तियां निवास नहीं कर सकते हैं। कर जो बास करते हैं वो कौन है, सबके सब देवता, यहाँ पे देवता है। इसलिए सत्य तृतीय द्वापर जी का लोग क्या चाहते हैं, ये कलयुग में जन्म लेकर महाप्रभु धारा में आए। इसका मतलब है ना आप लोग सब सत्य युग में भी आए हो, त्रेता जी में भी, राम अवतार में आए हो, कृष्ण अवतार में, नहीं कह रहा हूँ भागवत में एकादश स्कंद में वहां कह रहे हैं। देवता लोग भी चाहते हैं कि कलयुग में जन्म लो, कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते। क्यों, युग ही कली है, झगड़ा अशांति लड़ाई चारों तरफ में, कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। लेकिन ये जीव का लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते, बोले क्यों, कहते आसानी से जो प्रेम के लिए इतने कठोर तपस्या करते थे महाप्रभु, दोनों हाथों से केवल हरिनाम ग्रहण करने से बस ये दुर्लभ प्रेम को देते थे। कि कौन कह रहे, ये भोले बाबा माता पार्वती को यहाँ पर जो ग्रंथ है ना पूरा भर दिया, पूरा नवद्वीप धाम की महिमा में ग्रंथ पूरा भरा पड़ा हुआ है, हैं? इतने नवद्वीप धाम के शंकर जी, इतने इतने महिमा उन्होंने नवद्वीप धाम को बताए। इसलिए हम लोग रोज रोज कोशिश करेंगे ये ग्रंथ में ग्रंथ से कुछ कुछ सुनने के लिए, ये नवद्वीप धाम क्यों प्रकट हुआ, महाप्रभु भक्ति का क्या महत्व है। शंकर सब बता रहे, ये तीन संवाद है, एक संवाद नहीं, एक तो यहाँ माता पार्वती शंकर जी को पूछ रहे हैं, फिर गौतम ऋषि भी बोल रहे हैं, हैं? फिर भक्ति विनोद ठाकुर, ये तीन तीन संवाद इसमें है, दो तीन संवाद इसके अंदर में दिया हुआ है नवद्वीप धाम की क्या महिमा, कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, प्रकट करने का क्या महत्व है नवद्वीप धाम की, अनंत अनंत ऐसी की महिमा है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे धीरे 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 धीरे, हाँ, सुनने के लिए होगा तो कल हो सकता है गुरुदेव के समाधि में, होगा तो कल गुरु जी की समाधि में, हम कल तो परिक्रमा लगता है, सबसे बड़ी परिक्रमा लगता है आज परिक्रमा, लेकिन वहां से तो गाड़ी में चले गए, कुछ परिश्रम नहीं हुआ, गाड़ी में सबके सब गाड़ी में बैठी करके आ रहे थे सबके सब, परिश्रम तो ज्यादा ही हुआ ही नहीं, परिश्रम ज्यादा हुआ है, इसलिए क्या धूप तेज है, कुछ नहीं था आज तो, इसलिए इसलिए कल जो परिक्रमा है ना, ये कल सबसे बड़ी परिक्रमा है, और भगवान नरसिंह देव के पास में हम लोग जाएंगे, गोद्र में जाएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटीर हरिहर क्षेत्र, जहाँ पर शंकर पार्वती का जहाँ पर क्षेत्र है, और वहाँ पर सुवर्ण विहार का स्थान है। कल परिक्रमा थोड़ी सी दूर है, लेकिन लोग तो आते समय मैं देखा कोई कोई तो फिर गाड़ी में चले जाते पूरा उतरते नहीं, लेकिन गुरुदेव क्या बोलते थे, गुरुदेव बोलते थे जब बड़े गुरु जी रहते थे ना, किसको गाड़ी में बैठने गुरुदेव नहीं देते थे,
गुरुदेव बोलते थे जब हम परिक्रमा करते, ये जो धाम है ना, ये महाप्रभु से अभिन्न ये धाम है। जब कोई व्यक्ति परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते समय जो नौ तरह का जो भक्ति बताया, ये नवदा भक्ति है। और हाँ, नवदा भक्ति, इसमें जो पाद सेवनाख्या जो भक्ति, ये परिक्रमा करना, चरण से चलते है ना, ये पाद सेवनाख्या भक्ति। गुरुदेव कहते थे जब हमारी कष्ट होता है परिक्रमा करने के लिए, ये चीज को कौन देखता है? बोले महाप्रभु देखते हैं। संसार के लिए तो हम बहुत कुछ कष्ट करते हैं, बताओ संसार के लिए कितना कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन उसका कोई फल नहीं, गुरुदेव बोलते थे। लेकिन जो महाप्रभु धाम में आकर के परिक्रमा करेंगे, चलते हुए जाएंगे, गुरुदेव का जितने तुमको कष्ट होगा ना, महाप्रभु कष्ट देख कर उनका हृदय उतना ही पिघलता है। इसलिए जिनको चल सकते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, जितना दूर हो सके चलनी चाहिए। लेकिन जब चल नहीं सकते हैं तो गाड़ी में बैठे करके अब लोग आ सकते हो, क्योंकि ज्यादा अगर कल गर्मी हो गया, वहां से बहुत दूर 5-5 किलोमीटर होगा ना, 6-6 किलोमीटर है जब वापस आएंगे। और इधर से जब जाएंगे थोड़ी सी कम है, लेकिन जब वापस आएंगे थोड़ा दूर है, लेकिन को देख लेना जितना संभव तुम सोएगा। अभी चलो हम वहाँ पर नाथ मंदिर में कथा में जाएंगे, फिर कीर्तन, ठीक है, कीर्तन कर दो। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare आज जो परिक्रमा में गए थे ना, जो श्रीवास आंगन में गए हैं, देखो एक दो मिनट कथा सुन ले। वहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा, गुरुदेव जो हम जाते थे ना हर जगह पर, गुरुदेव का समय में कौन थे परिक्रमा में होता, आप गुरुदेव हर जगह पर बैठते थे, बहुत इतनी हरी कथा होती थी। ये जो आज जो परिक्रमा किया ना, हम कितने बजे वापस आए, 12:30 वहाँ से जब हम वापस 5-6 बजे वापस आते थे, 6-7 बजता था गुरुदेव, जब 7 बजता था और वहाँ से प्रसाद चले जाता था, हम वहीं प्रसाद पाते थे। प्रसाद पा करके गुरुदेव इतनी, अगर उसी समय का हरि कथा सुनोगे ना, गुरुदेव ज्यादा करके हरि कथा गुरुदेव बोलते थे, ज्यादा करके श्रीवास आंगन में बैठते थे। प्रभुपाद वहाँ इतनी हरि कथा होती थी, इतनी हरि कथा होती थी प्रभुपाद का स्थान पर, इतनी हरि कथा होती थी, इतने जो सोच दिन भर हरि कथा, गुरुदेव हरि कथा सुना सुना ना पेट भर लेते थे। इसलिए गुरुदेव की कथा सुन सुन कर ना किसको भूख प्यास नहीं, इतने गुरुदेव कथा सुनाते थे, इतने प्रेम भरी। और कल जो हम पैदल में भागेंगे ना, हम कोई पैदल में नहीं आते थे, नहीं तो गुरुदेव का डंडा ना पिटाई करते थे, हैं। और गुरुदेव स्वयं चलते थे गुरुदेव। इसलिए जो श्रीवास आंगन में गए थे वहां पर बहुत सारी कथा है। वहां पर जो एक कथा है, जब महाप्रभु वहीं पर कीर्तन करते थे, उस जो श्रीवास आंगन है कलियुग में, ये रास मंडप है। जैसे कलियुग जो द्वापर युग में कृष्ण रास कहाँ पर किए, वृंदावन में किए, कलियुग में जो रास, ये हरि कीर्तन ही रास है। इसलिए वहीं पर गुरुदेव कथा सुनाया करते थे। गुरुदेव बोलते थे ये बात को, देखो श्रीवास पंडित ने हमारे लिए बहुत एक अच्छी शिक्षा दिया। ये गुरुदेव क्या कहते थे, बोले जिस समय महाप्रभु वहां साक्षात है, महाप्रभु साक्षात कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन करते करते श्रीवास का जो एक लौता संतान शरीर छोड़ दिया, जब शरीर छोड़ दिया, जितने माताएं थी सबके से रोने लग गए। श्रीवास पंडित जब रोने की आवाज आई, कीर्तन को प्रणाम किया, अरे गए देखा बेटा मरा पड़ा हुआ। लेकिन देखो कैसे भक्त लोगों को कितने बड़ी शिक्षा देते हैं,
बोले क्यों रो रहे? बोले तेरे एक लौता संतान ने शरीर छोड़ दिया, क्यों रो रहे? बोले एक दिन मरना पड़ेगा कि नहीं? हर सख्यात जहाँ भगवान कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु का कीर्तन सुनते सुनते अगर कोई शरीर त्याग करे, मैं तो चाहता हूँ अगर मेरा भाग्य अगर ऐसा होता ना, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। श्रीवास पंडित कहते हैं, बोले बेटा किसने दिया? किसने दिया? भगवान ने दिया। लिया किसने? अगर हम बोले नहीं, हमने बेटा का जन्म दिया था ना, देखना देखना किसी किसी माता को बेटी बेटी बेटा नहीं होता है, किसको बेटा बेटा बेटी, कोई बांझ हो जाती है क्या? अगर तुम्हारी चेष्टा से होता तो फिर तुम्हारी चेष्टा से क्यों नहीं होता? किसकी कृपा से हुआ संतान? महा श्रीवास पंडित। किसने दिया? किसने? ठाकुर ने। बोले लिया किसने? भगवान। तो बीच में क्यों रो रहे हो? बोले तुम बीच में रो रहे हो, बोले तेरे इकलौता बेटा चला गया, तुम रोएंगे नहीं क्या? हंसेंगे? बोले अगर खबरदार, अगर रोओगे ना, अगर ये रोना सुन करके महाप्रभु का कीर्तन रस में कोई भग्न हुआ, बेटा तक गया ही गया, मैं गला में रस्सी बांध करके, पत्थर बांध करके गंगा में डूब मरूंगा। अभी जब इतने जोर से बोले सब चुपचाप हो गए, लेकिन है तो स्त्रियां अंदर में अंदर थोड़े थोड़े रो रहे थे, थोड़े थोड़े रो रहे थे अंदर अंदर में। इतने में जब फिर उन्होंने आकर के प्रणाम करके, पहले जितने प्रसन्न थे ना, अभी और जोर जोर से छलांग लगा लगा कर रो रहे, छलांग नृत्य कर रहे थे। लेकिन महाप्रभु सर्वंतर जी, हमको घटावट हम सब जानते हैं। महाप्रभु ने कहा, लगता है ये श्रीवास घर में कुछ अनहोनी हो गया है। जब इतना बोले ना, श्रीवास पंडित छलांग लगा दिया, बोले प्रभु क्या बोल रहे हो? सख्यात गोलकपति वृंदावनपति स्वयं महाप्रभु जहाँ नृत्य कर रहे हैं वहां करके अमंगल हो सकता है? कहते ना मंगल भवन अमंगल, अमंगल हो ही नहीं सकता है। इतने में श्री अद्वैत आचार्य जी कहते हैं, बोले प्रभु भले ही कुछ नहीं छोड़ेंगे, माला पहले छोड़ेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सिनेमा जाना नहीं छोड़ेंगे, क्या क्या छोड़ देंगे? गुरुदेव कहते थे, हम तो माला छोड़ने के लिए पहले तैयार बैठे, ये माला कब हमसे छूट जाए? गुरुदेव कहते थे पहले तैयार बैठे, माला कैसे छूटे? अगर कोई सोलह माला करता होगा ना, अगर बड़ी कष्ट से अगर छोला माला प्रणाम कर, भैया दूर रहो, और नहीं वही मर रहा अगर, और नहीं है, गुरुदेव कहते थे। लेकिन देखो श्रीवास पंडित ने वो अपना जीवन में कितने, गुरुदेव कहते कितने बड़ी, यहाँ से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, भले ही जीवन में जो कुछ आ जाए ना, भले ही दुनिया छूट जाए, संसार छूट जाए, एक दिन छूटेगा तुमसे, नहीं चाहने पर भी छूटेगा तुमसे, हैं? जब हैं? इसलिए गुरुदेव कहते जो कुछ जीवन में हो जाए, लेकिन भगवान की भजन कभी हमें नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए गुरुदेव और की लीला कहते थे, गुरुदेव कहते थे यहीं पर मुझे लीला हुई, जब महाप्रभु अष्ट प्रहरी लीला प्रकट किया, खटिया विष्णु की खटिया पर बैठ गए और भक्तों को वरदान दे रहे, एक एक भक्तों को बुला बुला कर उन्होंने वरदान दे रहे, वरदान देते देते तब उन्होंने श्री हरदास हरदास को बुलाए, बोले हरदास तेरे को याद है? बोले किस चीज की? बोले जिस समय वो तिल्ला हरिनाम करते थे, मुसलमान ने कहा खबरदार हरिनाम नहीं कर सकते हो, ये हिंदू वाले उच्चारण नहीं कर सकते, कलमा उच्चारण कर, तू मुसलमान कुल में जन्म होकर हिंदुओं का धर्म क्यों याद नहीं करते हो? लेकिन उन्होंने क्या किया? बोले बोले अगर शरीर को बोटी बोटी कर काट डालो तब भी मैं भगवान की भजन नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव कहते थे ये शिक्षा देते हैं, भले ही जीवन में हमें जितने बाधा विपत्ति आ जाए, भगवान की भजन हमें नहीं छोड़नी चाहिए। उनको 22 बाजार में पिटाई हुई, चमड़ा उतर गया, जब पिटाई हो रही थी ना, जितने जोर से पिटाई हो रही थी उतना जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम, इतना जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे, हैं? इतने जोर, जब उनको पिटाई हो गई ना, जानते हो क्या बोलते हैं? कहते भगवान बड़े दयाल हुए, मैंने ये कानों में भगवान की निंदा बुराई सुना है ना, ठाकुर जी थोड़ी सी दंड देकर छोड़, ये इनकी बोली है, इतने चमड़ा उतर गई, लेकिन वो कहते पिटाई के बाद में भगवान थोड़ी सी दंड दिया, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे? थोड़ी सी अगर कष्ट हो जाए ना, बोले भगवान के इतना भजन किया ठाकुर हमारे साथ में ही किया यही किया। उसको बाद में हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु कह रहे, देख हरिदास जिस समय तुमको पिटाई हो रहा था ना, मैं तो सुदर्शन चक्र लेकर के बैकुंठ से आ गया, ये सब दुष्टों को मार डालूंगा, लेकिन उस समय तुम उनका कल्याण सोच रहा था ठाकुर जी, ये अज्ञानी अपराध इनको माफ कर दो, इनको माफ कर दो। गुरुदेव बहुत बात कहते थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अगर भजन करते हैं ना,
अगर थोड़ी सी कोई अगर अनहोनी हो गया, कहते साला अगर कोई सुजोग मिले ना दिखा देंगे तेरे को, नहीं तो भगवान को प्रार्थना करो गुरु ठाकुर जी का सत्यानाश कर दो। बाबा साहब यही से कर रहा है उसका सत्यानाश। लेकिन गुरुदेव कहते देखो उनकी 22,000 में पिटाई हो गई, लेकिन वो क्या कहते ठाकुर जी मेरे को थोड़ी सी दंड देकर छोड़ गए, और जब ठाकुर जी सुदर्शन चक्र लेकर आ गए ना हम क्या बोलेंगे ठाकुर जी उसका पूरा संसार खत्म कर दो, ये हमारे साथ में ऐसी बुराई कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव कहते देखो जब ठाकुर जी सुदर्शन चक्र लेकर वैकुंठ से आए ना, जब देखा वो तो इनका कल्याण सोच रहे हैं, बोले ठाकुर जी इन मूर्खों को कुछ जानते नहीं, इनके अपराध को माफ कर दो, ये तो उनकी कल्याण सोच रहे थे, उनकी कल्याण। उस समय महाप्रभु ने दिखा बोले देखो जिस समय तुमको पिटाई कर रहे थे ना, मैं चक्र लेकर के आ गया, तुम तो उनको कल्याण सोच रहे थे, मैंने क्या किया तेरे पीठ के ऊपर पीठ लगा दिया, देखो मेरे पीठ में दाग है, सारे पिटाई को मैंने ग्रहण कर लिया है। और एक महाराज कहते देखो ये जो कथा कह रहे हैं बहुत एक अच्छी कथा, ध्यान देकर सुना। गुरुदेव कहते थे कोई एक भक्त था, उस समय तो मुसलमान का पीरियड था, ये मुसलमान लोग क्या करते थे हिंदुओं का जो बेटी बहू का इज्जत ले लेते थे, पकड़ करके इज्जत ले लेते थे। एक समय कोई भक्त था, इतने में रात में ही मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण जब कर दिया जो भक्त था याद है आपका, वो भक्त ने अपना बेटी बहुओं को घर से लेकर निकल पड़े। अभी बेटी बहू का हमें हिंदू लोग है ना कैसे निकल, लाज कैसे बचा, निकल पड़े रात 2 बजे, निकल कर जाए कहां, जाए तो जाए कहां, गंगा बह रही आज देखे ना कितनी बड़ी गंगा, गंगा बह रही जाए कहां, वहीं पर रात को ठाकुर जी रक्षा करो ठाकुर जी, दुष्टों से हमारी बहु बेटियों का इज्जत ले लेंगे रक्षा करो। इतने में भगवान महाप्रभु स्वयं नाव लेकर के आ गए, ठाकुर जी स्वयं नाव लेकर के रात 2 बजे, बोले कहां जा रहा है, बोले आप बट दया करो हम लोगों पर, में मुसलमान हमारी इज्जत ले लेंगे, हमें किसी तरह से गंगा पार करा दो, तो उन्होंने उनको गंगा पार करा दिया। तो महाप्रभु को भक्तों को बुला रहे, बोले तेरे को याद है जिस समय मुसलमानों ने आक्रमण किया तुम अपना बही बहु बेटी को लेकर निकल पड़े और कोई उपाय नहीं, अभी वो लाज ले लेंगे आ रहे मुसलमान, रात बीच में तेरे को कोई नाव लेकर आया था पार कराने के लिए, बोले प्रभु आपको कैसे पता, बोले मैं स्वयं नाव लेकर आया, कहते मैं स्वयं नाव लेकर आया था तेरे को उद्धार करने के लिए, और जब नाव में बैठा कर मैंने पार कराया ना, नहीं था बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया जसोदा जैसे तुम सलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं बोले सबर की जैसे तो गुरुदेव कहते थे हृदय से केवल उनको पुकारने का देर है वो आने में कोई देर, इसलिए ठाकुर जी को देखो कई ठाकुर जी को बैठे हुए देखे हो, केवल एक ठाकुर जी बैठे है लेकिन जितने सारे ठाकुर को देखो खड़े, कहते ये खड़े किस लिए, ठाकुर क्यों नहीं बैठते, बोले कारण है अगर मेरे को कोई भक्त पुकारेगा तो अगर मैं बैठा हुआ आऊंगा वो खड़े होने के लिए देर लगेगा ना, देर लगेगा ना, इसलिए ठाकुर जी कहीं क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी बैठे नहीं बैठे, केवल भक्तों को रक्षा करने के लिए ठाकुर जी बैठे नहीं, केवल ना रा केवल उच्चारण क्या कौन गजरे भगवान यण भी नहीं बोले, उसको पहले चक्र आकर के मगरमच्छी को काट डाले, मतलब भगवान इतने दयालु, इसलिए गुरुदेव कहते थे देखो केवल फुटारने का हमारी देर है लेकिन वो आने में कोई देर नहीं करते हैं, इसलिए उनको हृदय से, इसलिए वहां पर महाप्रभु का बहुत बहुत लीला वहीं पर है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हम लोगों ने सब उन्होंने दारू पीते हुए देखोगे है, दारू थाना में बेस्या थाना में बैठे हुए देखोगे, वो लोग आए लेकिन आप लोग कैसे आ गए, पैसा नहीं लाया, गुरुदेव कहते थे आपको पैसा नहीं लाया, लाया किसने, भगवान की महाप्रभु की कृपा ही तुम लोगों को ये धाम में आए हैं, अगर थोड़ी बहुत कोई कष्ट हो ना वो कष्ट को जिस समय गुरु जी के साथ में हम रहते थे उसमें तो बहुत कष्ट था, खाने पीने का भी ऐसे 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 अभी जो शाही पनीर और पालक पनीर जो मिल रहा है ना बढ़िया बढ़िया चकाचक और इतना बढ़िया रोटी घी में एकदम लगा हुआ, पहले ऐसे नहीं था, हम जो परिक्रमा करते थे उस समय जो मोटी मोटी चावल है ना जो बंगाली लोग खा रहे चावल और केवल एक सब्जी होता था दो सब्जी एक सब्जी और जितने मोटे मोटे चावल खा हम लोग खा करके ऐसे परिक्रमा किया, अभी तो बढ़िया व्यवस्था, इतना गुरुदेव इतने बड़े बिल्डिंग बना दिया गुरुदेव ने, और जो सोते थे यहाँ पर घर में नहीं, हम लोग कभी नवद्वीप धाम में पता होगा कभी हम घर में नहीं सोए, वो बाहर सोते थे हैं, बाहर बारंदा में सोया, घर ही नहीं था सोने के लिए, बाहर बारंदा में तो हम लोग सोए, ब्रजमंडल परिक्रमा भी ऐसे ऐसे किया, इसलिए अभी तो गुरुदेव का कृपा से गुरुदेव बहुत कुछ कर दिया है, गुरुदेव बहुत कुछ कर दिया है, ठीक है ना, इसलिए
सबके सब आनंद में खूब परिक्रमा करो और तो भजन करो। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, गौर प्रेमानंदे बोले हरि बोल हरि भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज की जय। बोले श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, ये बोलो आप लोग शांति पूरी जाना चाहते हो और अभी का कल ना पहली बार कौन आए? पहली बार कौन आए? कौन कौन जाना चाहते हो? जाओगे? अगर जाओगे तो हम कोशिश करते एकादशी का दिन अगर गाड़ी अगर वहाँ लगा दे जहाँ से गाड़ी अगर वहीं लगा दे बस वो खत्म होते वहाँ बैठे दे। लेकिन उस दिन एकादशी है रुके ना भजन वही तो क्या कह सकते प्रसाद नहीं जल्दी जल्दी आ सकते हैं यहाँ बोलते प्रसाद रखने के लिए क्योंकि वहाँ तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा परिक्रमा खत्म बैठ कर सीधा जाएंगे देर नहीं करके पहले अभी के कमरे चले जाएंगे बंद हो जाएगा और देर कर सीधा नहीं एकादश प्रसाद है और मैं विजय प्रभु को बोलूंगा इतना लोग है और उस दिन इतना लोग के लिए प्रसाद है। चलो ठीक है एक चक्र के लिए एक चक्र मामगाछी वाले भी जाएंगे उसके मिला हूँ शेख को बनाओ किसी को बनाओ ठीक है। अब फिर हम देखते हैं होगा तो जो कल तो ये परसों होगा तो हम हम्पी का कल ना और शांतिपुर जाएंगे ठीक है। कौन कौन जाएगा? सब जाएंगे। कितना लोग बस कितना बात करनी पड़ी करीब जब भी बात करना है नाम आज से इसमें तो नाम तो लिखना चाहिए एक चक्कर जाते हैं इसके लिए हम तो कुछ नाम नहीं लिखे बात बस कर देते पता कैसे चलेगा कितने बोलो नाम लिखना गजरा अनिरुद्ध इधर आजा विजय प्रभु तो ये अनिरुद्ध इधर आजा। आप लोग कितना लोग जाओगे ना अगर आप नाम लिख दो तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण निकलेंगे।